यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यूपी निकाय चुनाव के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। सीएम योगी ने मुरादाबाद के बाद प्रतापगढ़ में विकास के नाम पर वोट मांगे, साथ ही समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर जमकर हमला बोला। यूपी निकाय चुनाव की कमान सीएम योगी ने अपने हाथों में ले ली है। सीएम योगी हर दिन ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। आज भी सीएम योगी ने मुरादाबाद के बाद प्रतापगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि एसपी बीएसपी की सरकार ने युवाओं के हाथों में तमंचा दिया था, हमने युवाओं को टेबलेट दिया। सपा बसपा कांग्रेस ने युवाओं के हाथों में तमंचे पर पहुंचाए थे, हमने कहा तमंचा से नहीं, आज का युवा के हाथ में टैबलेट होना चाहिए, टैबलेट। सीएम योगी ने प्रतापगढ़ में जनता से कहा कि पहले की सरकारों में पेशेवर अपराधी सीना तान कर चलते थे, अब ऐसे नहीं चल पाएंगे। पेशेवर माफिया और अपराधी सीना तान करके चलता था, आज कोई अपराधी और माफिया सीना तान करके चल पाएगा क्या? आज हिम्मत कर पाएगा क्या? गले में तख्ती लटका करके चलता है सिर झुका करके, और थोड़ा सा सिर ऊपर हुआ नहीं कि अगले। अतीक अहमद के गढ़ लुकरगंज में कल सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली है, और खबर यह भी है कि योगी आदित्यनाथ चकिया में एक रोड शो भी कर सकते हैं। यूपी निकाय चुनाव को लेकर कल बड़ा अहम दिन है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल उस प्रयागराज में चुनाव प्रचार करेंगे जो कभी माफिया अतीक का गढ़ था। सीएम योगी कल प्रयागराज के लूकरगंज में रैली करने जा रहे हैं। योगी की रैली जिस मैदान पर हो रही है उस पर कभी अतीक अहमद का कब्जा था, जिस पर सरकार ने बुलडोजर चलवाया और जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के मकान बन रहे हैं। तो चकिया के इलाके से होते हुए ही आएंगे, संभव है एक रोड शो की शक्ल में आए और लोगों को वेव करते हुए आए, मतलब कि साफ है कि अतीक के उस साम्राज्य को किस तरीके से चोट पहुंचा, किस तरीके से उसको नेस्तोनाबूद किया गया और किस तरीके से उसके कब्जे से ज़मीनें छुड़ाई गई, उसी ज़मीन पे यहाँ पे योगी आदित्यनाथ बाकायदा अपनी रैली करने जा रहे हैं और इस रैली के माध्यम से इलाहाबाद प्रयागराज की जनता से वोट मांगेंगे। सीएम योगी अतीक के गढ़ चकिया होते हुए रैली स्थल तक आएंगे। इसी मैदान के करीब ही अतीक अहमद का दफ्तर भी था जिसे योगी के बुलडोजर ने गिरा दिया।